हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज़ लक्ष्मी कोचिंग सेंटर बच्चों आज मैं आप लोगों को एडिंग सिखाऊंगी मगर मिक्स्ड फ्रैक्शन का मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे कि ये देखिए थ्री डिजिट है ना यहाँ पर फोर वन बाई टू ऐसे करके है ना इस टाइप को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन इसको कैसे ऐड करते हैं आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगी चलिए हम इसे पहले सॉल्व uh, करते हैं पहले इसकी जो है ना इसका जो चेहरा है वो पूरा चेंज कर देंगे मेकअप करते हैं ना जैसे वैसे इसका भी मेकअप कर दूंगी बच्चों में अभी देखिए कैसे करते हैं टू फोर जा एट हम क्या करते हैं इन दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई करते हैं क्या करते हैं मल्टीप्लाई जो आंसर आता है फिर इसमें प्लस करते हैं देखिए टू फोर ज़ा एट एट में वन को प्लस करिए तो क्या आएगा बच्चों नाइन बाई टू आ गया ओके सिमिलरली देखिए फोर का वन में मल्टीप्लाई कीजिए मैंने अभी सिखाया कि इन दोनों का नंबर ये जो नंबर है इनका मल्टीप्लाई कीजिए जो आंसर आएगा उसमें इसको प्लस कर दीजिएगा तो कैसे करेंगे फोर वन जा फोर एंड थ्री प्लस हो जाएगा तो सेवन बाई फोर बस हो गया बहुत इजी इसका मेकअप हमने कर दिया चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं टू एंड फोर का एल्शियम ले लेते हैं टू वन जा टू एंड टू टू जा फोर फिर से टू से किया तो देखिए टू वन जा टू यहां देखिए एल्सियम आ गया बच्चों टू इन टू यानी टू टू जा फोर हम क्या लिखेंगे यहां पर फोर अब क्या करेंगे नीचे वाले नंबर से बच्चों डिवाइड करते हैं क्या करते हैं नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं जो आंसर आता है इसके ऊपर वाले नंबर में फिर मल्टीप्लाई करेंगे चलिए करते हैं टू से फोर को डिवाइड किया तो क्या आया बच्चों टू टू का मल्टीप्लाई नाइन में किया तो एटीन एट सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे नीचे वाले नंबर से डिवाइड कीजिए फोर से फोर को डिवाइड किया तो क्या आया बच्चों वन वन आया वन का इंटू सेवन में क्या तो वन सेवन जा सेवन चलिए अब इसे प्लस कर देते हैं एटीन एंड सेवन कितना होता है बच्चों ट्वेंटी फाइव फिर नीचे आ गया आपका फोर अब क्या करेंगे बच्चों ये तो हमने प्लस कर दिया अब इसे क्या करेंगे देखिए फोर से ट्वेंटी फाइव को डिवाइड कर दीजिए फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर माइनस क्या तो वन ये वाला सिक्स आप यहाँ लिखिएगा जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखिएगा और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आंसर आ गया वैसे तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं ये भी लेकिन कभी कभी टीचर को ये चाहिए होता है कभी किसी टीचर को ये तो मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है देखिए तो पहले से ही बच्चों देखिए पहले क्या करेंगे इसको बच्चों इम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इम प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा बहुत इजी तरीका है जब नमरेटर में हमारा बड़ा नंबर हो और डिनोमिनेटर में छोटा नंबर हो तो उसी को बोलते हैं इम प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए चलिए करते हैं इसको पहले फाइव बाई ट्वेल्व सिक्सटीन का फाइव में बच्चों मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या आएगा सिक्सटीन फाइव जा एट्टी एट्टी में सेवन को प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा एट्टी सेवन बाई सिक्सटीन हो गया ना इन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा यानी नमरेटर कम होगा और डिनोमिनेट सॉरी नमरेटर ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम होगा जो भी हमें डिनोमिनेटर में दिया होगा जैसे कि ट्वेल्व एंड सिक्सटीन आप क्या करेंगे इसका एल्सियम ले लेंगे देखिए टू के टेबल में सिक्स ट्वेल्व आता है सिक्स टाइम में सिक्सटीन आता है एट टाइम में फिर सिक्स आता है फिर से करते हैं टू थ्री ज़ा सिक्स एंड टू फोर ज़ा एट अगेन करेंगे बच्चों टू टू ज़ा फोर एंड फिर से करते हैं देखिए थ्री एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये टेबल में नहीं आता है टू वन जा अब तो ये वन आ गया इसको भी चलिए वन लाते हैं तो थ्री वन जा थ्री एंड वन जा तो बच्चों हम यहाँ पे फिर एलसीएम निकाल लेते हैं ये देखिए ये सारा नंबर यहाँ लिख लेंगे टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री ओके टू टू ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट एट टू जा सिक्सटीन सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट ओके तो फोर्टी एट आ गया बच्चों लाइन खींच लीजिएगा यहाँ पर फोर्टी एट हमने लिख लिया ट्वेल्व के टेबल से फोर्टी एट को डिवाइड कीजिए बच्चों क्या आएगा ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट फोर आया फोर फाइव जा ट्वेंटी मैंने क्या किया बच्चों नीचे के नंबर से डिवाइड किया जो आंसर आता है ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जैसे कि देखिए सिक्सटीन के टेबल से अगर फोर्टी एट को डिवाइड कीजिएगा तो थ्री बार में जाएगा सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट ओके तो थ्री आया थ्री का मल्टीप्लाई एट्टी सेवन में कर दीजिए देखिए यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा एट्टी सेवन में थ्री का मल्टीप्लाई थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन थ्री एट जा ट्वेंटी फोर एंड टू ट्वेंटी सिक्स यानी आंसर यहाँ पर आ गया टू सिक्सटी वन अब बच्चों इसे प्लस कर दीजिए टू सिक्सटी वन में ट्वेंटी को प्लस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों वन एट एंड टू यानी यहाँ पर आ गया टू एट वन फोर्टी एट आंसर आ चुका है है ना इजी चलिए करते हैं नेक्स्ट सम्स ओके इसको भी चलिए हम पहले इन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे बच्चों एट फाइव जा फोर्टी फोर्टी में थ्री प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा फोर्टी थ्री बाई एट सिमिलरली देखिए फिर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे एट टू जैसा सिक्सटीन सिक्सटीन में फाइव को प्लस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों ट्वेंटी वन नीचे एट ओके okay. अब तो देखिए बच्चों ये दोनों तो सेम ही नंबर है यानी ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया लाइक like फ्रैक्शन लाइक like फ्रैक्शन का मतलब कि ये नीचे का नंबर जब सेम होता है उसको लाइक बोलते हैं तो इसमें आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सिंपली इसे एट लिख लीजिएगा ऊपर वाले नंबर को प्लस कर लीजिएगा ओके प्लस करने पर क्या आया बच्चों थ्री और वन फोर एंड फोर और टू सिक्स यानी सिक्सटी फोर बाई एट एट से इसे डिवाइड कर दीजिए तो एट एट जा सिक्सटी फोर आ गया आंसर चलिए करते हैं नेक्स्ट सम्स फिर से इसको चेंज करते इस टाइप का क्वेश्चन देखिए बच्चों सेवन टू जा फोर्टीन फोर्टीन एंड फोर पहले मैंने क्या सिखाया मल्टीप्लाई करना है जो आंसर आएगा उसको प्लस करना है तो सेवन टू जा फोर्टीन फोर्टीन में फोर प्लस किया तो क्या आया बच्चों एटीन बाई सेवन प्लस इलेवन बाई एट ओके बच्चों जब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता है तो हम अपनी मर्जी से वन ले लेते हैं ओके अब क्या करेंगे सेवन और एट का एल निकाल लेते हैं सेवन और एट अलग अलग टेबल में आता है बच्चों तो इसका तो डायरेक्ट एल्सियम हो जाएगा सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स ओके सेवन के टेबल से इसे डिवाइड कीजिए क्या आया बच्चों फिफ्टी सिक्स कितनी बार में जाएगा डिवाइड एट टाइम में सेवन एट एट का एटीन में मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या आएगा बच्चों ऐसे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा अगर आपको टेबल याद नहीं होगा तो देखिए एट एट जा सिक्सटी फोर एट वन जाट एंड सिक्स फोर्टीन यानी वन फोर फोर सिमिलरली देखिए यहाँ से भी एट से डिवाइड कीजिए क्या आएगा एट के टेबल से फिफ्टी सिक्स को तो एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स यानी सेवन आया ठीक है सेवन का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में कर दीजिए तो इलेवन सेवन जा सेवेंटी सेवन अगेन देखिए वन से फिफ्टी सिक्स को डिवाइड करेंगे तो फिफ्टी सिक्स ही आएगा बच्चों और फिफ्टी सिक्स का मल्टीप्लाई फ़ाइव में कर दीजिए उसी के ऊपर वाले नंबर से देखिए ऐसे कर लीजिएगा फ़ाइव सिक्स जा थर्टी फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव एंड थ्री ट्वेंटी एट यहाँ पर आ गया मेरा टू एट ज़ीरो चलिए अब हम इसको प्लस करते हैं क्या लिखा है बच्चों ये देखिए वन फोर्टी फोर सेवेंटी सेवन एंड टू एट ज़ीरो सेवन और फोर इलेवन कैरी वन फिर फाइव और सेवन ट्वेल्व ट्वेल्व और एट ट्वेंटी कैरी टू टू और वन थ्री थ्री टू फाइव यानी आ जाएगा बच्चों यहाँ पर मेरा फाइव ज़ीरो वन डिवाइडेड बाय फिफ्टी सिक्स अब देखिए बच्चों ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है तो डिवाइड चला जाएगा चलिए अब हम इसको डिवाइड भी करके देख लेते हैं क्या आता है आंसर फिफ्टी सिक्स से फाइव जीरो वन को डिवाइड किया फिफ्टी सिक्स का टेबल करिए कितनी बार में जाएगा बच्चों ये एट बार में एट बार में आएगा मेरा फोर फोर एट माइनस करिए इलेवन में से एट गया थ्री नाइन में से फोर गया फाइव यानी हमारे पास क्या आया बच्चों एट रिमाइंडर को हमेशा ऊपर लिखते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं वो अपनी जगह पर नीचे ही लिखते हैं चलिए आंसर आ गया अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे समझाने के बाद आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए ऐसा ही लाती रहूँगी बच्चों और अब मैं इसके बाद आपको सब्ट्रैक्टिंग सिखाऊँगी